वेलकम स्टूडेंट्स, लेट्स रीड सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी द थीव स्टोरी। तो बच्चों आज सेकेंड पार्ट पढ़ रहे हैं द थीव स्टोरी का। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। अनिल के लिए काम करना बड़ा ही अच्छा लगता था मुझे। प्लीजेंट मैंने हैप्पी होता है। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैं उसके लिए चाय बनाता था। आई है वो हरी सिंह के लिए आ रहा है। हरी सिंह इज द नरेटर हेयर। हरी सिंह है वो इस कहानी का नरेटर है। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाईज, और उसके बाद में मैं रोज का सामान लाने के लिए, अनिल का रोज का सामान लाने के लिए काम करता था। यूजली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट आर रूपी ए डे, और लगभग एक रुपए का प्रॉफिट कमा लेता था। एक रुपया है वो पैसों में से बचा लेता था। आई थिंक ही न्यू, आई हरी सिंह के लिए आ रहा है, मैं सोचता था कि हरी को पता है। ही हरी सिंह के ही अनिल के लिए आ रहा है। ही न्यू आई मेड ए लिटल मनी, मैं सोचता था कि हरी सिंह की अनिल को पता है कि मैं पैसा कमा रहा हूं दिस वे। बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन अनिल है वो इस बात की परवाह नहीं करता था। तो अनिल वॉज नॉट ए मनी माइंडेड पर्सन, ये हरी सिंह है वो जानता था। आगे है पेज नंबर नेक्स्ट। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्स। अनिल है वो एक जर्नलिस्ट था और उसको पैसा है वो फिट्स एंड स्टार्स का मतलब होता है। फिट्स एंड स्टार्स एक इडियम होता है, मुहावरा है। इसका मतलब होता है कि उसको पैसा रेगुलरली नहीं आता था। कभी पैसा उसको एक मंथ में तीन बार भी आ जाता था और कभी पैसा उसको छह मंथ में एक बार भी नहीं आता था। तो वो इनरेगुलरली पैसा है वो मिलता था उसको। ही वुड बोरो वन वीक, कई बार उसको उधार भी लेना पड़ता था। एंड द नेक्स्ट, ओके, एंड लेंड द नेक्स्ट, और अगले वीक है वो उसको चुका देता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक। उसका जो प्रोफेशन था, धंधा था, जर्नलिस्ट था वो एक, उसका धंधा ऐसा था कि वो उसको अगले चेक आने की प्रतीक्षा रहती थी, चिंता रहती थी। बट एज सून एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, और जैसे ही उसका चेक पैसों का मिलता था उसको, क्योंकि वो आर्टिकल्स वगैरह लिखता था मैगजीन के लिए, वो अपना पैसा है वो सेलिब्रेट कर देता था अपने दोस्तों के साथ। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, ऐसा लगता था कि वो मैगजीन्स के लिए आर्टिकल्स लिखता है। एक क्वीवर वे टू मेक ए लिविंग, और वास्तव में ये पैसा कमाने का एक बड़ा ही मतलब अच्छा साधन था। वन इवनिंग ही केम होम विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, एक दिन अनिल कुछ बंडल्स लेके आता है, नोट की गट्टी लेके आता है, सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक टू ए पब्लिशर, उसने मुझे ये कहा कि उसने कोई किताब है वो पब्लिशर्स को बेची है, उसके पैसे हैं। एट नाइट ही सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैटर्स, और रात के समय मैंने देखा कि उसने दरी के नीचे पैसे हैं वो रख दिए हैं। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, मैं अनिल के लिए लगभग एक महीने से काम कर रहा था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, और शॉपिंग के अंदर जो मैं हर रोज एक रुपया बचा रहा था, जो मैं उसको धोखा दे रहा था, हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, इसके अलावा मैंने और कोई बड़ा चोरी है वो नहीं की थी, क्योंकि मैं चोर था और मैं चोरी करना चाह रहा था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, हालांकि चोरी करने के लिए मेरे पास पूरे अवसर थे। अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर, अनिल ने मेरे को दरवाजे की चाबियां दे रखी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज, और मैं किसी भी कमरे में अपनी मनमर्जी से बाहर अंदर जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, और वास्तव में अनिल एक ऐसा व्यक्ति था जिसने मेरे ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट किया था, विश्वास किया था। तो देखो, जब आपको आर्टिकल्स करवाए गए थे तो आपको बोला गया था कि जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उससे पहले द आर्टिकल आता है, द मोस्ट ट्रस्टिंग, ओके, द मोस्ट ट्रस्टिंग सुपरलेटिव डिग्री है, मैनी मोर मोस्ट, तो यहां हमने द आर्टिकल लगाया हुआ है। नेक्स्ट है एंड देन एंड दैट इज वाई इट वॉज डिफिकल्ट टू रॉब हिम, इसी कारण से अनिल के घर चोरी करना भी बड़ा मुश्किल था, क्योंकि वो मेरे पर विश्वास करता था। इट इज ईजी टू रॉब ए ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, जो लालची व्यक्ति होता है उसको चोरी करना बड़ा आसान होता है, क्योंकि उसके पास बहुत सारा पैसा होता है
लूटने के लिए। बट इट इज डिफिकल्ट टू रोब ए केयरलेस पर्सन, लेकिन एक जो लापरवाह व्यक्ति होता है अनिल जैसा, उसको उसके घर चोरी करना मुश्किल होता है। समटाइम ही डज नॉट इवन नोटिस ही हैज बीन रॉब्ड, क्योंकि कई बार उसको पता भी नहीं चल पाता कि उसकी तो चोरी हो चुकी है। एंड दैट इट टेक्स ऑल द प्लेजर्स आउट ऑफ द वर्क, और इस कारण से चोरी करने का जो मजा होता है वो चला जाता है। वेल इट इज टाइम आई हैड डिड सम रियल वर्क, अब समय आ गया था कि मेरे को कोई अच्छा काम करना था, अपने लिए कोई वास्तविक काम करके दिखाना था। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मैंने सोचा कि अगर मैं काम नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा, तो मैं चोरी करना भूल जाऊंगा। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी ही विल वेस्ट ओनली इट ऑन हिज फ्रेंड्स, और मैंने ये भी सोचा कि अगर मैं पैसा नहीं चुराऊंगा तो उसने तो ये पैसे अपने दोस्तों पर ही खर्च कर देने हैं। आफ्टर ऑल ही डज नॉट इवन पे मी, और मैंने ये भी सोचा कि वो मेरे को कोई वेतन वगैरह भी नहीं दे रहा है, महीना भी नहीं दे रहा था, मेहनताना नहीं दे रहा था। अनिल वॉज अस्लीप, अनिल है वो रात के समय सोया हुआ था। ए बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर दी बालकोनी, और चंद्रमा की रोशनी है वो बालकोनी के अंदर है वो पड़ रही थी। एंड फेल ऑन दी बेड, और वो उसके बिस्तर पर भी आ रही थी। आई सेट अप ऑन दी फ्लोर, में फ्लोर पर बैठ गया, कंसिडरिंग दी सिचुएशन, और पूरी की पूरी जो स्थिति है उसको भांपने लगा। इफ आई टुक दी मनी आई कुड कैच दी 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, मैंने सोचा कि अगर मैं चोरी कर लेता हूं तो 10:30 पर जो लखनऊ एक्सप्रेस है ट्रेन, उसको मैं पकड़ सकता हूं। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, मैं कंबल से बाहर आता हूं। आई क्रेप्ट टू दी बेड, मैं बेड की तरफ जाता हूं रेंगता हुआ। क्रीप से क्रेप्ट बना है, क्रीप क्रेप्ट क्रेप्ट होता है। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल शांति से सोया हुआ था। His face was clear and lined, उसका चेहरा है वो बिल्कुल स्पष्ट था और unlined है, sorry, unlined, उसके ऊपर कोई हाव भाव नहीं थे। Even I had more mass on my face, मेरे चेहरे के ऊपर हालांकि ज्यादा निशान थे, दो माइंस वर मोस्टली scars, स्कार्स होते हैं wounds, जख्म, हालांकि मेरे जो निशान थे वो जख्मों के निशान थे, क्योंकि उसको कई बार है वो पीटा भी गया होगा हरी सिंह को चोरी करते हुए, क्योंकि जो लोग बुरा काम करते हैं उनके चेहरों के ऊपर, हाथों के ऊपर गोलियों के और घावों के, चाकुओं के निशान है वो अक्सर मिल जाते हैं। तो स्टूडेंट, दिस इज द सेकंड पार्ट। ओके, फर्स्ट पार्ट एंड अदर पार्ट्स आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू। दिस वीडियो वाज मिसिंग, सो आई मेड इट, आई केम टू नो इट टुडे ओनली। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी एंड हैव अ नाइस डे।